विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्री। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो मैंने फीफा वर्ल्ड कप के लिए वीडियो बनाई थी जिसमें हाया कार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और आप लोगों ने वो वीडियो को बहुत ही प्यार किया और काफ़ी सारे कमेंट्स भेजे और काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे। सो इसीलिए ये नेक्स्ट वीडियो मैंने उस सीरीज को इंक्लूड करते हुए कोशिश की कि इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन थे उनको आंसर कर पाए। सो आपका एक मेजर क्वेश्चन था कि भाई जो सऊदी अरब और दुबई का वीज़ा है, जिनके पास हया कार्ड है, ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ये कहाँ से पता लगेगा और किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। सो इस वीडियो में मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो सऊदी अरब और यूएई का ये वीज़ा है, दिस इज अ स्पेशल वीज़ा प्रोग्राम फॉर फीफा वर्ल्ड कप। और इसमें क्या होने वाला है कि बेसिकली ये दोनों कंट्रीज जो भी टूरिस्ट आने वाले हैं उनको एनकैश करने चाहते हैं और अपने यहाँ पर भी वो टूरिज्म अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए इन दोनों कंट्रीज ने ये स्पेशल वीजा ऑफर खोले हैं जिसके अंदर जिनके पास हया कार्ड है वो लोग यूएई के अंदर 90 डेज मल्टी एंट्री वीजा को अप्लाई कर सकते हैं और सऊदी अरब के अंदर 60 डेज मल्टी एंट्री वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जो यूएई का वीजा होने वाला है वो होने वाला है 100 धर्म्स का। आप लोग 100 धर्म्स देके वो वीजा को मल्टी एंट्री का अप्लाई कर सकते हैं। सऊदी अरब का जो वीजा है उसकी कोई अभी प्राइस बताई नहीं गई है, बट 1 नवंबर को ये दोनों वीजा की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी एंड इस गवर्नमेंट विल बी अनाउंसिंग कि ये वीजा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है फ्रॉम 1 नवंबर। तो 1 नवंबर तक आप वेट कीजिए, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि आपके पास अगर हया कार्ड है तो कौन सी एप्लीकेशन पे जाके आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं जिससे कि आपको आपका यूएई का वीजा या सऊदी का वीजा मिल सके। और जैसे 1 नवंबर को होगा और हमें पता लगेगा तो हम लोग भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से अगर आपके पास हया कार्ड है तो हया कार्ड की क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको डालनी है जिससे कि आपको मल्टी एंट्री वीजा फॉर दुबई एंड सऊदी अरब आपको मिल सके जिससे कि आप वहां पर भी जाके इंजॉय कर सकें। सो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जिसे मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। इसके साथ साथ मैंने अपनी पहले वीडियो में एक और आप एक टॉपिक उठाया था कि अगर जैसे कि आपने अपना हया कार्ड ले रखा है और आपने कम से कम एक मैच की टिकट ले रखी है अपने लिए और एक नया ऑफर आया 1+3, ये ऑफर क्या है। सो आज ये ऑफर को डिस्कस करते हैं। इस ऑफर का मतलब है कि जैसे कि मैंने अपने लिए टिकट ले रखी है हया कार्ड की और मैंने अपनी वाइफ की नहीं ली, बट मैं अपनी वाइफ और अपने दो दोस्तों को इनवाइट कर सकता हूं और अपने हया कार्ड के इंफॉर्मेशन को लेकर हया कार्ड की एप्लीकेशन पे जाके उन लोगों के लिए भी मैं हया कार्ड अप्लाई कर सकता हूं, जिससे होगा क्या, एक बारी मैं अप्लाई करूंगा और वो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, सो मेरे वाइफ को और मेरे जो लोग फ्रेंड्स को भी हया कार्ड मिल जाएगा। और चाहे और इन इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अपने वाइफ के लिए और अपने दोनों दोस्तों के लिए टिकट्स नहीं ले रखी, दे विल नॉट वॉच एनी ऑफ द नो फीफा वर्ल्ड कप, बट वो मेरे संग ट्रैवल कर सकते हैं, वो मेरे संग कतर घूम सकते हैं। और मे भी ऐसा भी होता है कई बार कि कई कुछ आप अपनी फैमिली के संग आते हैं और सब लोग इंटरेस्टेड नहीं होते वो मैच देखने के लिए। सो ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि हाँ, यू कैन ट्रैवल विद द होल फैमिली, आप अकेले अप्लाई कीजिए, उसके बाद इस फैसिलिटी को यूज कीजिए, वाइफ और अपने दोस्तों को अप्लाई कर दीजिए एंड जो लोग टिकट ले रखा है वो जाके अपना मैच एंजॉय करेंगे और जिन्होंने नहीं ले रखा वो बाकी टाइम कतर की ब्यूटी को घूमेंगे। और साथ ही साथ अगर आपने हया कार्ड से अगर यूएई का या सऊदी का वीजा ले सकता है रखा है तो ये जो एडिशनल जो है तो 1+3 जो बाकी तीनों का आपने हया कार्ड निकाला है उन लोगों को भी आपका जो यूएई का और सऊदी का वीजा मिल सकता है, तो वो लोग भी आपके संग ट्रैवल कर सकते हैं इन कंट्रीज में और वहां का भी घूम के आ सकते हैं। सो ये ऑप्शन थी जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। सो गाइज, अगर आप लोग भी फुटबॉल देखना चाहते हैं वर्ल्ड कप और अभी तक टिकट नहीं लिया, सो प्लीज टिकट ले लीजिए, रिकॉर्ड टिकट के धीरे धीरे प्राइस एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। और आप लोग कतर आना चाहते हैं तो जिस फ्रेंड ने टिकट ले रखा है उसको जरा मन में दिखीजिए जिससे कि
वो आपका भी हया कार्ड अप्लाई कर दे और आपको भी कतर आने का मौका मिल जाए। और इस ऑसम जो ये इवेंट होने वाला है, इस इवेंट में का इंजॉय करने का मौका मिल जाए, बिकॉज ये जो इवेंट होने वाला है इस टाइम पर जब ये फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा होगा, तो इस तरीके से रूल्स बनाए गए हैं कि नॉर्मल जो ट्रैवलर्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, जिनके पास ही हया कार्ड होगा वही कतर में एंटर कर पाएंगे फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पे। तो इसीलिए नॉर्मल टूरिस्ट आर नॉट अलाउड, ओनली द फीफा फैंस आर अलाउड एंड उनको काफी सारी फैसिलिटीज भी मिलने वाली है। सो ये भी एक इंफॉर्मेशन थी इसमें ऐड करने के लिए। सो अब मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है सो प्लीज बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरी चैनल की सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। और साथ ही साथ आप हमारे कम्युनिटी को भी फॉलो करना शुरू कीजिए, जिसमें नए नए इवेंट्स जो कुवैत में होते हैं वो हम लोग आपके सामने लाते रहते हैं, जिससे कि जिस टाइम हम लोग वहां शूट करने जाए तो आप लोग भी आ पाए और उस इवेंट का आप लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। और हम लोग इंस्टाग्राम पे भी काफी एक्टिव है, तो आप लोग हम लोगों को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारी वहां नए नए रील्स और वीडियोस को देख सकते हैं। सो गाइस, अब टाइम है अलविदा लेने का। बाय।